गुड इवनिंग रितिम। ओके, तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक से 2 मिनट और रुक लेते हैं, उसके बाद फिर हम 9:05 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट होंगी। और आई होप कि यहाँ पे अभी कोई भी न्यू स्टूडेंट नहीं होंगे। आई गेस कि इससे पहले 1 से 2 मीटिंग में सारे स्टूडेंट के साथ में हम कनेक्टेड हो रखे हैं, राइट? लेट्स वेट फॉर 1 और 2 मिनट। और सबको पता होगा आज के इन टॉपिक पे बातचीत करने वाले, तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे लोग फर्स्ट ईयर से होंगे या फिर समहाउ एक दो स्टूडेंट सेकेंड ईयर से भी होंगे। हमें डिस्कस करना था ना, जो ब्रांचेस थे उन ब्रांचेस से रिलेटेड उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम पे कनेक्ट हो रहे हैं आपके ग्रुप में, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे, उस यूनिवर्सिटीज में आपके साथ जब पर्सनली सेशन लिया गया होगा, उसमें पुट ऑन किया गया होगा, तो आप पहले उसको वॉच करें। अदरवाइज आपको लगेगा यूं ही चल रहा है, कुछ भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो जो ग्रुप में आपके शेयर कर गए थे, और कोशिश करें कि जो ऐसे सेशन लिए जाते हैं उनको आप लाइव अटेंड किया करें। ओके गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल। आई हैव ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट मीन्स कि आपके जब सेशन चले थे कल या परसों में, हर यूनिवर्सिटीज में चली रही है, तो आपने मिस आउट किया होगा उस सेशन को, ठीक है? मैं तो एक आध मिनट और रुकता हूँ यहाँ पे, 9:05 में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग जगत। ठीक है, पेंट ओपन करते हैं, तब तक कुछ कुछ चीजें हम लिखते चलते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है? तो अगर जितने भी लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले होंगे, मैंने बताया था, सब लोगों को बता दिया था कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आप अगर फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपके यूनिवर्सिटीज में जब पहली बार हमने सेशन लिया होगा, तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे कि क्यों ग्रुप को बनाया गया है, क्यों सेशंस दिए जा रहे हैं और क्या फायदा होगा, एंड ऑल सब कुछ चीजें बता दी गई होंगी, राइट? आज का जो सेशन हमारा टोटली, 1 मिनट, अभी कितने बच्चे आ रहे हैं, कनेक्ट ही होने देते हैं एक बार। ओके, कुछ बच्चे एसआईआईटी यूनिवर्सिटीज, एसआईआईटी से भी आ रहे हैं, जो ग्रुप बनी हुई है। तो आप लोगों के कल ऑफलाइन मीटिंग है यूनिवर्सिटीज में, राइट? तो जो वेन्यूज दिए गए हैं, आप एक बार उनसे मिल लेना, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे, तो वो आपको कुछ कुछ और चीजें बता देंगे। अदरवाइज बाकी सारी चीजें तो हमारी ऑनलाइन चली रही। इसी तरीके से जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके यूनिवर्सिटीज में भी ऑफलाइन मीटिंग भी होंगी, तो वहां पे आपको पिंग कर दिया जाएगा। नाउ कैटेगरी बनाते हैं कंप्यूटर साइंस में, जिस काम के लिए आज मिले हुए हैं। थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कोई नहीं। कंप्यूटर साइंस में ना, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स में से मेजरली बीसीए के स्टूडेंट होंगे, बीटेक के स्टूडेंट होंगे, बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेस वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर तो हो सकते हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस में कुछ एक चीजें ले रखी होंगी। तो हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं, और फिर उन कैटेगरीज में क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, आज हमें उससे रिलेटेड बातचीत करना था। उनमें मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पैकेजेस जाते हैं, और उसको किस तरीके से पढ़ना है, उस चीज पे बातचीत करते हैं, ताकि आपको अपना इंटरेस्ट पहचानने में हेल्प मिले। जैसा कि हमने पहले भी बोल रखा था कि हमें सबसे पहले ना इंटरेस्ट पहचानने में हेल्प करना है, और एक बार इंटरेस्ट हम पहचान लेंगे, तो पहचानने के बाद फिर हम उसी फील्ड में टोटली फोकस करेंगे। सी प्रोग्रामिंग जो हमारी चल रही थी, एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर नोटिफाई कर दे रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, मतलब कि आज हमारे चलने वाले थे। एकेडमिक्स को किस तरीके से ध्यान में देना है, मैंने पहले ही बताया था। आई होप कि सब लोगों ने यूट्यूब पे वॉच कर लिया होगा, किसी ने अगर नहीं वॉच करा होगा तो स्लिथरिन इंडिया करके आप सर्च करेंगे तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। जिनके डाउट्स आ रहे हैं आप चैट बॉक्स में डायरेक्टली बता सकते हैं, रदर देन कि आप हैंड राइज कर रहे हैं, फाइन। सो मंडे टू फ्राइडे हमारी चलती हैं, तो आज हमारा गाइडलाइन क्लासेस चल रहा है, तो कल हमारी क्लासेस चलेंगी। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर अप कर लिए, कल हम इसी तरीके से आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, उसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, जहां तक हमने लेक्चर थर्ड में कवर अप कर रखा था। तो उस तरीके से हम एकेडमिक्स को साइड में रख रहे थे, फिलहाल इसको इरेज करते हैं, और जो कैटेगरी सबसे हमने फर्स्ट डे पे रख रखा था, उन कैटेगरीज को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। 9:07 हो रहा है और इस टाइम पे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। 9:10 के बाद में किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं करूंगा, ऑनलाइन में बहुत डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे मैंने पहला एक सेक्टर बनाया, जहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोग्राम लिखा है सिर्फ, ठीक है, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। डीएस हम बात करते हैं, या फिर एल्गो की बात करते हैं, या फिर तो हमने
कोडिंग की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। सो ये मैंने कैटेगरीज बनाया, तो इन कैटेगरीज में जिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट आएगा उसमें कितना पढ़ना पड़ता है और प्लेसमेंट के क्या चांसेस होते हैं एंड हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, हम एक एक चीजों को डील करेंगे। पहले कैटेगरी डिफाइन कर लेते हैं, फिर ऐसे जो मैं सिर्फ कैटेगरी डिफाइन कर रहा हूँ कि उन उन कैटेगरीज में हम अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं, वहां पे हमें फोकस रखना चाहिए। फिर स्टेप्स, रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे, अपने एकेडमिक्स के अलावा साइड साइड से कैसे रखें, वो इन जनरल एक एक करके हम देखेंगे। तो थोड़ा सा ना हो सकता है कि आपको बोरिंग फील हो, लाइक किसी ने पहले से मन बना लिया हो कि मुझे तो कोडिंग सेक्टर में ही जाना है, तो जब उसका हम लेक्चर सॉरी यहाँ पे जब मैं कुछ डिस्कशन करूंगा तो बाकी वाले जो कैटेगरीज हैं वहां पे आपको शायद बोरियत फील हो, बट सुनना चाहिए, सबको सुनेगा, मतलब जितने फील्ड में बताऊंगा सबको सुने। अब क्या पता बाकी सारे फील्ड से कुछ रिलेटेड काम आ जाए हमारा। यहाँ पे मैंने बताया डेवलपमेंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, या फिर जिसको हम बोलते हैं फुल स्टेक डेवलपर, ठीक है, फुल स्टेक डेवलपर या डेवलपमेंट लिखते हैं। एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट में वेबसाइट्स बनाने या फिर तो बैकएंड वगैरह का काम, सारा काम इसमें आ जाता है। और कुछ सारी यूनिवर्सिटीज में इसको ब्रांच बोल के भी अभी बताया जा रहा है। सो इस ब्रांच में कुछ भी नहीं होता, जो पहले प्लेन सीएसई में होता था इसी को ब्रांच बना के कराए गए हैं, ठीक है। तो जो लोग यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं क्वांटम वाले, उन लोगों को मैं बता दूं या फिर साथ में स्कैम हो रहा है, तो पहले जो नॉर्मल प्लेन सीएसई में होता था उससे कोई उन्होंने अलग सा ब्रांच बना दिया। क्या पता यूनिवर्सिटीज का बस चले तो कल के डे में सी प्रोग्रामिंग को ही अलग से ब्रांच बता दे। इसके बाद फिर अगला उन लोगों के लिए आज बातचीत करेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या रखना चाहिए, कदम कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो आज टोटली हम इसमें डील करने वाले। एक एक कैटेगरीज में 10-10 मिनट्स लगेंगे, तो हम इसको इस तरीके से कंक्लूड करेंगे। 5 कैटेगरीज 50 मिनट्स लगेंगे। साइबर सिक्योरिटी में जिन लोगों का होगा, यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ AI ML, किन्हीं की अगर ब्रांचेस छूट जाए तो मुझे आप बताना, AI ML वाले मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो होता है प्लेन CSE या फिर तो डाटा साइंस, ठीक है, डाटा साइंस या फिर प्लेन CSE मैंने बताया, प्लेन CSE, फाइन। तो हमने इतने कैटेगरीज को डिवाइड करा। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल के लिए तो और भी कोई बच्चे कुछ कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो सेगमेंट जो मैंने लिख रखा, सबसे स्टार्टिंग टर्न पे प्लेन सीएससी, ये प्लेन सीएससी इसी में काउंट आ जाता है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग BS एल्गो एंड कोडिंग, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ हमारा प्लेन सीएससी। अच्छा ऐसे प्लान सीएससी लिख दिया मैंने, चलो प्लेन सीएससी। और यहाँ पे जो है ना डाटा साइंस के अलावा स्लैश देके हमें क्लाउड को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग नाम के हमारे अलग से होते हैं वो ब्रांचेस, ठीक है, कंप्यूटिंग, ओके फाइन। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड डीएस एल्गो कोडिंग वाला, और इसके बाद फिर जिन लोगों का ये डाउट्स क्लियर हो जाए वो लीव भी कर सकते हैं मीटिंग को, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज प्रीसेस, तो अपने कामों में आप लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ में एड ऑन होंगे, तो सबसे पहले हम इसमें बातचीत करेंगे, फिर इसमें बातचीत करेंगे, फिर साइबर सिक्योरिटी, फिर AI ML और एट लास्ट डाटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में बातचीत करेंगे। तो इसको कंक्लूड करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे जो डाउट्स होते हैं कि हायर पैकेजेस किस में जाते हैं, सबसे पहले हम उसको नोटिफाई करते हैं, ठीक है, पैकेजेस किस में सबसे ज्यादा जाते हैं। तो इन जनरल अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में आएंगे या कोई भी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ठीक है। सो अगर वहां पे जो प्लेसमेंट आपके होते हैं वो आपके इसके बेसिस पे ज्यादा होंगे, जो सब्जेक्ट्स आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या डीएस एल्गो या कोडिंग वगैरह करेंगे इनके बेसिस पे, दैट्स इट, ये हमारा ज्यादा। हाँ उसमें ऐसा हो सकता है कि सम बेसिक नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट, सम बेसिक नॉलेज ऑफ AI ML, सम बेसिक नॉलेज ऑफ डाटा साइंस एंड ऑल, जैसे SIIT के सीनियर्स कल बता रहे थे आप लोगों को जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें आपको थोड़ा बहुत डाटा साइंस, थोड़ा बहुत AI ML ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीजें होती है। लेकिन मेजरली आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, डीएस एल्गो एंड कोडिंग, अभी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बताऊंगा कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको करने हैं जिन लोगों को इसमें जाने हैं। तो मैंने बता दिया ना कि जो आपके प्लेसमेंट्स होते हैं ऑन कैंपस वाले में, उसमें मेजरली जो है यहाँ से ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेजरली कंपनीज इन्हीं बेसिस पे उठा के लेके जाती है। अब अगर हम बात करें क्या ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस में भी हमारा यहाँ से प्लेसमेंट ज्यादा होता है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड DSL को। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं किसी के अमेजन में 40 लाख की प्लेसमेंट लगी, या गूगल में लगी, माइक्रोसॉफ्ट में लगी, यूट्यूब में लगी, तो वो सारे जो प्लेसमेंट लगते हैं वो कहीं ना कहीं किसी हैकाथॉन को या फिर एक लेवल में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है। जैसे मैं गूगल की बात करूं, सो वन ऑफ माय सीनियर्स उन्होंने उसको एग्जाम दिया था गूगल के लिए, और उनके पैकेजेस काफी ज्यादा होते हैं जो वो लोग रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो 40-50 लाख वाले में ना 5 उन्होंने कोडिंग का क्वेश्चन दे दिया, उनमें से एक क्वेश्चन भी बन गया तो सिलेक्ट हो जाता है। तो इतना उनके लेबल्स वगैरह आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं।
उतना लाइक लेवल में हमें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो हायर पैकेजेस की हम बात करें, ऑफ कैंपस में हमें अप्लाई करना है, तो अगेन उसके लिए भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी है, यही है हमारा। अब इसके बाद में तो व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट, तो इस टाइम पे बाकी सारे लोग, जबकि ये पुराने काल से चला आ रहा है, पुराने काल से चला आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे अलग अलग ब्रांचेस बोल के इसको हम क्यों सेपरेट करते हैं, जबकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जाता ही नहीं। आप किसी से भी पूछ ले, जो आपके वहां पे अगर यूनिवर्सिटीज में ब्रांचेस अलग किए गए हैं, तो इन सारी चीजों को अलग करके क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे ना इंटरेस्ट बेस्ड हमारा स्पेशलाइजेशन होता है। अब इसमें से किसी स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी में, किसी स्टूडेंट को डेवलपमेंट में, किसी स्टूडेंट को डाटा साइंस में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट आ रही है कि उस फील्ड में ना उसने कुछ अलग सा इनोवेटिव बना दिया, किसी ऐसा कुछ ऐप बना दिया उसने, हैकिंग में ही ऐसे किसी वेबसाइट्स को हैक कर दिया जो कि लगता था अभी तक कि हम उसमें बग नहीं निकाल सकते हैं। लाइक अभी आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह में या फेसबुक वगैरह में कहीं भी बग्स निकाल लिया जाता है, उसके वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाते हैं। तो ऐसी चीज, इतनी स्किल्स अगर हम ले ले रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली फिर वहां पर भी प्लेसमेंट लग जाएंगे। फिर तो ऐसा नहीं कि इनका प्लेसमेंट ज्यादा लगेगा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाला, फिर इनका कम लगेगा, इसमें एवरेज लगेगा। अगर हम वहां तक नहीं कर पाए तो फिर हमारे इन सारे में प्लेसमेंट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा अगर हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट या साइबर सिक्योरिटी या फिर AI ML जैसे ब्रांचेस में इंटरेस्ट रखा अपना, तो इनके दो फायदे होते हैं क्या, एक तो कि हमारा एक मन भी होता है ना, एक मन अगर उसमें लग गया हमारा, तो अगर उसमें कम भी बाद में पैसे मिल रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं कि जितने लोग यहाँ पे 100 लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करेंगे तो 100 लोगों को 40 लाख या 50 लाख की पैकेजेस लगेंगे, उनमें से सिर्फ 1 लोग या 2 लोगों के लगते हैं करोड़ों के पैकेज, लाखों के पैकेज, बाकी लोगों को तो एवरेजली 8 to 10 लाख में लगता है। तो अगर 8 to 10 लाख में मुझे ये काम करना है आगे, या फिर अपना इंटरेस्ट का काम AI ML वाला करना है या डेवलपमेंट वाला काम करना है, तो उसमें ज्यादा सुकून है। तो हम इंटरेस्ट के बेसिस पे, इसीलिए मैं हमेशा से प्रीफर करता हूँ कि वो प्रीफर करना चाहिए, अगर मन है तो ही करें, पैकेज के हिसाब से ना जाए, पैकेज तो हमारे पीछे आ ही जाएंगे। सब लोगों ने 3 Idiots मूवी देख रखी होंगी, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि हायर पैकेजेस कहाँ जाते हैं। अभी अगर हम बात करें, हायर पैकेजेस को हटा दें, फ्यूचर में क्या ग्रोइंग स्कोप है, अगर हम उसकी बात करें कि फ्यूचर में किन फील्ड में सबसे ज्यादा चांसेस है प्लेसमेंट के होने के, ये भी मैं एवरेज की बता रहा हूँ, प्लेसमेंट वाइज नहीं बता रहा हूँ, तो हमारा साइबर सिक्योरिटी, AI ML और आजकल डाटा साइंस भी चल रहा है, तो ये सारे ज्यादा ग्रोइंग वाले हैं, ये अब आउटडेटेड हो गया, प्लेन CSE और कॉम्पिटेटिव वाले देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे प्लेसमेंट के हाई चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, लाइक आपको अदर कंट्रीज में जाना है, कुछ इनोवेटिव टाइप से कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी है, एज एन साइंटिस्ट आपको इसरो DRDO वैसे जगहों पर प्लान करना है, तो या तो आप साइबर सिक्योरिटी के थ्रू उस तक घुस जाए सिक्योरिटी में, या फिर DRDO में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ प्रोजेक्ट में घुस जाए, या फिर डाटा साइंस या क्लाउड को लेकर घुस जाए, तो ये सारे फील्ड में अगर आपके स्पेशलाइजेशन है तो आप इंडिया में तो है ही है, अदर कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें स्पेशलाइजेशन को जल्दी प्रेफरेंस मिल जाता है, तो ये फायदा होता है स्पेशलाइजेशन का। फुल स्टैक डेवलपमेंट इसका भी अदर कंट्रीज में ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा नहीं है इसका, ठीक है, इंडिया में आजकल हर 2 गली कोचे में कोई ना कोई एक वेबसाइट बनाने और ऐप बनाने वाले मिल जाते, लेकिन हाँ इनमें भी अगर हम बहुत फाइन निकल रहे हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आजकल मैं बता रहा हूँ कुछ सारे बच्चे क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी और AI ML को ज्यादा प्रीफर में लेके चलते हैं, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, अगर हम समझ के नहीं चल रहे हैं तो इनको लेने का ना फायदा क्या चलता है, ये थोड़ी सी यूनिक फील्ड है और इस टाइम पे ना क्राउड थोड़ा कम है इस फील्ड में, AI ML में और साइबर सिक्योरिटी में, तो अगर जिन्होंने भी इसमें कदम रखा ना, तो उनकी एक अलग से इमेज बन जाती है कि हाँ ये तो हैकर है या फिर ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहा है, क्योंकि बाकी लोगों का इमेज तो हम अलग से डिफाइन नहीं कर सकते अपने आप को। जैसे अगर मैं मेरी भी बात करूँ, तो मुझे भी जब मेरे जो बैचमेट्स थे या फिर मेरे जो कलीग्स हुआ करते थे, जो बाकी के जो फ्रेंड्स थे, वो लोग बताते थे कि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कर रहे हैं, लेकिन हम बताते थे कि हम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलने में और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर थोड़ा सा यूनिक लगता है, तो ये चीजें एक अलग से थी कि हाँ इन्वायरमेंट में, अपने रिलेटिव्स में और बाकी जगहों पर थोड़ा सा अलग सा फील होता है इन दोनों ब्रांचेस में, और बाकी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोइंग तो है अदर कंट्रीज में या बाकी जगहों पर, इसके ग्रोइंग होने के चांसेस ज्यादा है। नाउ ये मैंने बता दिए कि ग्रोइंग के क्या चांसेस हैं, अब हम एक एक करके बातचीत करते हैं कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या DS एल्गो कोडिंग ये कहाँ तक हमें करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कितना हद तक किस तरीके के स्टूडेंट को करना चाहिए, उस तरीके से हर एक फील्ड में क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं हम। इसको मैंने इरेज करा, एंड जिन लोगों को अभी डायरेक्टली फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है वो 10 मिनट स्किप करके डायरेक्ट आ सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में। तो हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। अच्छा, ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में ना प्लेन CSE वालों को के लिए भी मैंने बताया, और जो लोग जनरल मतलब ऐसे ऑन कैंपस के प्लेसमेंट में तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी काम आता है। तो सबसे देखो, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रखे होंगे, आइदर वो साइबर सिक्योरिटी के, AI ML के, फुल स्टैक डेवलपमेंट के, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, डाटा साइंस, सबको ये काम करना है। पहला जो हमारा लैंग्वेज जो आपके यूनिवर्सिटीज में कराया जाता है, C लैंग्वेज से यहाँ से शुरुआत करनी है। तो C प्रोग्रामिंग आपको पहले पहले तो खत्म करना है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद फिर एक और लैंग्वेज अगर हमने सीख ली तो अच्छी बात है, या तो हम C++ कर ले, या फिर तो सॉरी मैं इसको ना ऊपर में लिख दे रहा हूँ, या पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है C या फिर C++, हम कोई सा एक ले लेते हैं,
तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, सी या सी प्लस प्लस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कंप्लीट करने के बाद हमें बेसिक्स ऑफ डीएस, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा डाटा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, एल्गो को एल्गो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो हमने ये यहां तक बताया। अब यहां में ना बस ये तीन ही सेगमेंट है, बस इसी से 40 लाख लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता इसमें। जिन लोगों को आगे हायर कुछ करना होता है, इनफैक्ट गेट में भी लाइक आपका 50% वेटेज रख लेगा अगर आप इन सब चीजों में ठीक ठाक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये तो हम पढ़ ही रहे, उसके बाद फिर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, एल्गोरिदम पढ़ना है, तो बाकी का टाइम क्या करना है? हमें तो लग रहा है तो बहुत कम पढ़ना है हम लोगों को, बाकी का टाइम ना वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मतलब हमारे लॉजिक बिल्डिंग करने में हेल्प करना है हम लोग को, पूरा उतने खतरनाक तरीके के प्रोग्राम्स को बनाना है। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एल्गोरिदम या डाटा स्ट्रक्चर ये सब क्यों जरूरी है। मान लेते हैं कि आप में से एक जो है कोई बच्चा प्रांजल है यहाँ पे, और प्रांजल ने क्या करा, एक सिंपल से एक कोड लिखा, जिस कोड में ना उन्होंने आउटपुट को बनाने पे, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, हम सब ने ऐप वगैरह देख रखा होगा। मैं यहाँ पे ना किसी बच्चे ने कैलकुलेटर बना रखा है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन करा, ये पाइथन वाले कुछ स्कूल के बच्चों ने इसको बना रखा है, तो ये आपके सामने एक छोटा सा कैलकुलेटर दिख रहा होगा, जिन्होंने पाइथन पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो हमने इसमें क्या करा, वन वन ये वर्किंग भी है, ये बच्चों ने खुद बनाया, नीचे नाम भी लिखा हुआ आ रहा है उनका। पाइथन की भी क्लासेस चलती है हमारी, लेकिन आप लोगों का भी टाइम नहीं आया पाइथन का, जब आएगा तो मैं आपको उसमें एड ऑन कर दूंगा, उसकी भी लाइव क्लासेस चलती है। मैंने जैसे इसमें हिट इंटर करा तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अब जिन बच्चों ने इसको बनाया होगा, इस तरीके से कई सारे ऐप या वेबसाइट या गेम बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमने देखा होगा ना कि कोई एक ऐप जो है ना सेम काम कर रहा है लेकिन वो सिर्फ 5 MB का है, और कोई एक ऐप जो है वो उसी काम के लिए 50 MB 60 MB ले रहा है। और हम लोग किसको ज्यादा यूज करते हैं, कम एमबी में ज्यादा अच्छा फंक्शनिंग करने वाला को। तो इसकी जो साइज है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में जो दिमाग लगा पाए, गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये लोग हैं उन्हीं को ज्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो कोई भी कर लेता है। अगर मैं बात करूं क्या कि आपको सेम काम फैक्टोरियल निकालना है, या पहाड़ा प्रिंट कराना है, या फिर कोई पैटर्न प्रिंट कराना है, तो कोई भी करा देगा उसको ना, कितना कम मेमोरी में, कितना कम एमबी में, और एकदम फास्टेस्ट वे में। लॉजिक भी लगाना, मतलब फास्ट हो और एफिशियंट हो, मेमोरी कम कंज्यूम करे, ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करके कॉम्प्रेस करना, ये सारा हमारा एल्गोरिदम पे बेस्ड होता है। मतलब आपने ऐसा कोई दिमाग लगाया कि वो इतना छोटा सा एमबी में इतना अच्छा फंक्शन कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि ये प्रोग्रामिंग के साथ में जिनको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो की नॉलेज अच्छी खासी पकड़ हो गई, तो वो फिर वैसे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, और पैसा ज्यादा उसी चीज की दी जाती है कि आपने क्या शॉर्टकट ऐसा दिमाग लगाया जिससे कि बाकी लोग इतना कम टाइम में नहीं कर पा रहे थे। तो दैट इज द डिफरेंस कि हमें ये करना होता है। अभी सबसे पहले बातचीत करते हैं कि हमने क्या किया, हमने जिन लोगों को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में ध्यान देना उन लोगों को बता रहा हूँ, या जिन लोगों को गेट वगैरह में जाना है, ये सारे सब्जेक्ट्स गेट के हैं, उनको पहला काम क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये तीनों पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर को खत्म करना है। और आप एक काम करें, इससे भी पहले क्या करें, सी प्रोग्रामिंग को सबसे पहले खत्म करें, या सी प्लस प्लस को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके बाद फिर इसके बेसिस पे आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने हैं, हैकर अर्थ या हैकर रैंक वगैरह पे अलग अलग लॉजिक बिल्डअप करना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए 2 से 3 महीने की, तब आप दूसरे लैंग्वेज में जाए डाटा स्ट्रक्चर पे, जो कि आपके जनरली सेकेंड ईयर में आते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर को क्या किया आपने, डाटा स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से टाइम दिया, फिर डाटा स्ट्रक्चर के साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिक्स प्रैक्टिस करें, उसकी कॉम्पिटेटिव लेवल का अलग प्रोग्रामिंग होती है, और ये जब आपने कंप्लीट करा तब आपको यहाँ पे एल्गो में जाना चाहिए। तो टाइम कितना टेकिंग होना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँ कि एक सेमेस्टर जो है, एक सेमेस्टर आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सी सी प्लस प्लस मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। और कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाने, जैसे अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो टावर ऑफ हनोई हो गया, फिर रिकर्जन बेस्ड कई सारे और प्रोग्राम होते हैं हमारे, फिबोनाची सीरीज वगैरह हो गए, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएं उसको, तो हमारा स्ट्रिंग बेस्ड भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। हम इसके बाद ना, जैसे हमारा 1 वीक का क्लासेस खत्म होगा, जो लगातार अभी अभी हमारी सेशन चल रही है, 1 वीक के बाद हम हैकर अर्थ पे या हैकर रैंक पे आएंगे, और वहां पे हम सी प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करेंगे, तो उन लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सिंपल टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, 1 वीक तक आप कंटिन्यू रखें, हम वहां पे आएंगे, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये हमने बता दिया कि एक सेमेस्टर आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस एंड नॉर्मल आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग में लगाना है, इसके उसके ज्यादा नहीं जाना है आपको। अगर आपका दिमाग बिल्कुल फास्ट है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी कर भी लेते हैं तो आप जाए, नहीं तो एक आइडल केस तो वही है। दूसरे सिनेरियो पे, दूसरे सेमेस्टर पे आपको डीएस को खत्म करना है, और डीएस के साथ साथ में आपको ये सी प्रोग्रामिंग की जो आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा उसके साथ में मिक्सअप आपको क्वेश्चन करने हैं एट द इंडोर में। तो आपका 1 साल का टारगेट बस यही होना चाहिए कि अच्छे अच्छे से कंप्लीट करते चले, और एंड देन फिर 1 ईयर के बाद में फिर आप इंटर्न
इंटर्नशिप को लुक कर सकते हैं कि कौन से इंटर्नशिप में जाए, इंटर्नशिप को लेकर लुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में सिर्फ आपने एल्गोरिदम पढ़ लिया तो आपके पास में अभी भी फर्दर 1.5 साल या 2 साल की टाइम बचती है, आप जम के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा का पूरा जान लगा सकते हैं। सो दैट इज द की पॉइंट जो आपको करने चाहिए। तो मैंने इसमें कैटेगराइज करके बताया इंटर्नशिप्स कैसे मिलने चाहिए। आप कनेक्टेड रहे, हम बीच बीच में बता देंगे, आज उस पर बातचीत करेंगे तो और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको अभी थोड़ा सा कट रखते हैं कि इंटर्नशिप कैसे मिलनी चाहिए। अभी जैसे कि आएंगी फरवरी में कुछ कंपनीज के नोटिफिकेशन आते हैं, सीजीपीए ठीक ठाक रखें उसमें, एंड कैसे अप्लाई करना है ना, मैं किसी एक दिन काम करूंगा क्या कि आपको रेज्यूमे बनाना बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे लोग फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि हम अभी क्या ही रेज्यूमे बनाएंगे, हमारा तो कुछ अभी हाईलाइटेड पॉइंट भी नहीं हुआ है, बट फिर भी हम वहां पे देखेंगे जो लाइक कुछ सिस्को की तरफ से आती है या जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आती है, उनमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले क्या कि हमारा एक वेल बिल्ड रेज्यूमे होना चाहिए, जिससे कि सबसे पहले में शॉर्ट लिस्टिंग हमारे होते हैं। अच्छी कंपनीज में सीजीपीए हमारे 7.5 या 8 के राउंड रखते हैं। तो ये जो रेज्यूमे बिल्डिंग वाला है, बीच बीच में नेक्स्ट संडे राउंड हम ले लेंगे, अभी हमारी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। तो एक महीने में ही सिर्फ आपको फर्क नजर आ जाएगा कि हम अभी कोडिंग भी करना शुरू कर दिए, हमने अदर प्रोफेशनल के साथ में कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग पे भी थोड़ा बहुत देखेंगे, इंटरव्यूज वगैरह पे क्या होते हैं, एंड हर साल कहाँ कहाँ पे नोटिफिकेशंस निकलती है इंटर्नशिप्स के लिए, उसमें कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीजों को ड्यू टू द सेशंस देखेंगे, ठीक है। सो हमें समझ में आया ये, तो आई थिंक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और डीएसएल वाला का सेशन कंक्लूड हो गया। मेजरली जो है सिर्फ इतने ही होते हैं, इनके अलावा अगर आपका पाइथन वगैरह मन है तो पाइथन भी सीख सकते हैं, उसके साथ में प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक सेमेस्टर 1.5 सेमेस्टर में आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी बात प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक चीज आपको समझ में नहीं आओगी, सर हमें जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने बताया सिर्फ एक सप्ताह आप रुके, आपको सारी जर्नी दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम क्लियर करते हैं। Now, moving to the next point, जिनको अब समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको, अच्छा एक चीज हमने छोड़ दिया, किस तरीके के बच्चे को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या डीएसएल या कोडिंग वगैरह में जानी चाहिए। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, जिनके एकेडमिक्स बिल्कुल अच्छे रहे हैं, मैथमेटिक्स काफी तगड़ी है, लॉजिक बिल्ड करने में बिल्कुल अच्छा खासा लगता है, मतलब वो ना टोटली गीकी टाइप से, जो लोग AIML में बोल रहे हैं, हम लास्ट में आएंगे वहां पे, दूसरे पॉइंट पे आएंगे। सो ये उन लोगों को करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका बहुत ज्यादा ऐसा प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैथमेटिक्स वगैरह बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं रही है, तो आप उस पर ना जाएं, उसमें हाथ पर मारने के बजाय आप किसी अलग इंटरेस्ट फील्ड में काम करें तो शायद आप कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। हमारे कई सारे जो सीनियर्स हैं, आपको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उनकी भी वही एक्सपर्टाइज, उनकी भी मैथमेटिक्स तगड़ी नहीं थी, बट उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रखे हैं वेबसाइट बनाने में या ERP बनाने में कि उनका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। अभी IITs वगैरह में हैकाथॉन वगैरह इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को लेके, तो ये चीजें होती है इंटरेस्ट बेस्ड पे। अब अगर हम बात करें ना फुल स्टैक डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए, देखो एक तो मैंने इन जनरल मैथ्स का कौन से चैप्टर काम आएंगी, ये तो आप अलग ही आउट ऑफ द डोमेन जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने क्या करा फुल स्टैक डेवलपमेंट में, हमें अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो इन जनरल जिन स्टूडेंट को भी काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इन जनरल हमें सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है, बेसिक्स जो हम कर रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स जो हम कर रहे हैं, इतना तो सबको ही करना है। जितने लोग साइबर सिक्योरिटी फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब की कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वालों को थोड़ा ज्यादा करना है, बाकी सारे लोग को हम लोगों को थोड़ा कम करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह पे। अब उसके अलावा साइड से क्या करना है, मतलब सी प्रोग्रामिंग तो सबकी चल रही है सारे ब्रांचेस वालों की, साइड से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वालों को क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट वालों की यहाँ पे उनको फोकस करना है HTML, ठीक है, HTML एंड CSS। सो इन वालों के लिए जो स्टूडेंट्स का स्पेशली HTML या फिर प्रोजेक्ट वगैरह पे थोड़ा सा इंटरेस्ट जा रहा है, इनके लिए एक मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो भी आप ध्यान से सुने यहाँ पे। हाँ, जिन्होंने पूछा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन सबसे बेस्ट है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है और आपके यूनिवर्सिटी में किस चीज पे सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है। ध्यान से सुनना मैंने दोनों चीजें क्या बोली, अगर आपका इंटरेस्ट AIML में गया और आपके यूनिवर्सिटीज और आपको रिसोर्सेज का सपोर्ट बहुत कम मिल रहे हैं AIML में, तो फायदा क्या उस ब्रांचेस को लेकर, क्योंकि उसमें आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट अगर है उसमें आप एक्सप्लोर करके कुछ दूर तक जा सकते हैं, तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं एग्जांपल में, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था, तो हमें यूनिवर्सिटीज में कुछ भी नहीं कराया, लेकिन हमने खुद से पूरा का पूरा कर लिया उसको, और हमने स्कोप भी बना लिया। इस टाइम पे हर जगह से इनविटेशन आते रहते हैं हम लोगों को, ताकि हमने कम से कम उतनी तो नॉलेज ले ली साइबर सिक्योरिटी की, फाइन। तो वो स्पेशलाइजेशन कौन सी बेस्ट है ये उस पर डिपेंड करता है। फिर भी आपको डाउट है आपके खुद के यूनिवर्सिटीज में कौन से स्पेशलाइजेशन अच्छे हैं, तो आप पर्सनली हमें कॉन्टेक्ट कर ले, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, किसी एक चीज को भी मैं पब्लिकली यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है। तो HTML, CSS एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है, जिनको वेबसाइट बनाना है या ऐप बनाने हैं, आप जावा से रिलेटेड नॉलेज रखना चाहते हैं या फिर आपको ऐप बनाने हैं, इन सारे चीजों के लिए जो है 15 डेज या 1 मंथ की हम एक
ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं एंड दैट इज टोटली फ्री. अगेन वो टोटली फ्री होगा, बट सिलेक्शन हम बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट्स को लेके करेंगे. इंस्ट्रक्टर आपके साथ में अलग आएंगे. मैंने अभी पहले बताया आपको कि मनीष सर जो अभी बहुत जगहों पे हाईलाइटेड चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह उनका काफी जगहों पे सिलेक्ट हो रखा है. सो वो उन्होंने अभी डायरेक्टली पीएम के साथ भी कॉन्टेक्ट करा और वो गवर्नमेंट के साथ भी कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं. तो वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट होकर उन बच्चों को जो है इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहते हैं उनको बताएंगे. एंड दैट इज वो कब से स्टार्ट होगा हमारा, नवंबर में फर्स्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि अक्टूबर तो हमारा पूरा इंगेजिंग जाने वाला है, साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप चलती है. सो नवंबर फर्स्ट से चलेगा. टिल दैट आपको क्या करना है, टिल दैट आपके पास में टाइम है, आप साइड साइड से यूट्यूब से खुद से कर सकते हैं. अच्छा, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सारे के कंटेंट्स यूट्यूब अगर पे अवेलेबल है तो चाहे तो खुद से जा सकते हैं, लेकिन कई बार ना कंटेंट्स तो स्टूडेंट्स के पास होते ही होते हैं. एक मेंटरिंग उस रास्ता में चलने के दौरान कहीं कहीं पे साथ रहे उन चीजों की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई वी आर हियर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं. तो आपको जहां पे जरूरत पड़ेगी आप चाहे तो साथ साथ हमारे साथ चल सकते हैं, नहीं तो फास्ट भागना है तो यूट्यूब है. तो फर्स्ट नवंबर से जिन बच्चों का इंटरेस्ट, जिन बच्चों ने फिलअप करा होगा गूगल फॉर्म वगैरह पे, मैंने शेयर आउट किया हुआ था, उनका यहाँ पे आपको 15 दिन या 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएंगी एंड विद सर्टिफिकेशंस भी आपको दिया जाएगा. कुछ प्रोजेक्ट्स पे अगर बच्चे काम करना चाहें, जैसे मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, पॉकेट मनी के लिए क्या करना चाहिए इस टाइम पे, तो ये एक अच्छी पॉइंट होगी कि आप में से जो 2-4 बच्चे सिलेक्टेड हुए आपको हम खुद पेड बेसिस पे प्रोजेक्ट साइन करा लेंगे वहाँ पे. तो दैट इज द वो एक गुड थिंग होगी जिनको में थोड़ा सा लगना है फुल स्टैक डेवलपमेंट में. नाउ ये सारी चीजें तो आपको करनी ही करनी है. अब ये कहाँ से करनी है इस पे हम सेपरेटली बातचीत करेंगे. अब ये किन लोगों को करना चाहिए, ये टोटली इंटरेस्ट बेस्ड है इसमें, तो इसमें बहुत ज्यादा माथा मारी भी नहीं करना पड़ता. अगर मन लग रहा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें भी ना जावा टोटली घुसता है. जावा सब्जेक्ट से अपने आप में थोड़ा सा हैक्टिक सा है, मतलब मुझे तो काफी हैक्टिक लगता है. कुछ बच्चों को मजा भी आता है जावा में, इंटरेस्टिंग भी होती है काफी. तो ये टोटली इंटरेस्ट बेस्ड डिपेंड करता है. अगर आपका इंटरेस्ट है, मन है वेबसाइट वगैरह बनाना, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम रियल लाइफ में बनाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, अर्निंग करते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसे लोग इस पे जा सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे. अगर आपका प्रोजेक्ट आपने अच्छा बनाया वेबसाइट वगैरह, तो आपके वैसे प्लेसमेंट हो जाएंगे. तो वैसे भी जो कंपनीज जो आती है ना कॉलेजेस में, वो या तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अब आती है ज्यादातर. ये साइबर सिक्योरिटी AI ML और डाटा साइंस वालों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, खुद से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ट्रेंडिंग में हाईलाइटेड फील्ड वही सारे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, कि साइबर सिक्योरिटी में हमें क्या करना चाहिए, कहां से हम कर सकते हैं. और हाँ, अभी जिनको स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इसको इन लोगों को मैंने बता दिया कि कॉम्पिटेटिव वालों का तो हमारा साथ साथ ही चल रहा है. जैसे हम थोड़ा बहुत एक लैंग्वेज खत्म करेंगे, फिर आपको अदर इंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह डाटा स्ट्रक्चर में मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा, और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए एक मैम आएंगी जो यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे. कॉम्पिटेटिव वालों का बताया मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट को. अभी सी प्रोग्रामिंग तो आप साथ साथ करते रहे, जैसे अक्टूबर मंथ के बाद में हमारे इंस्ट्रक्टर थोड़े से फ्री होते हैं एंड वो आपको यहाँ पे 1 महीने के लिए पूरी की पूरी नॉलेज देंगे. तो इस तरीके से आपका एक सेमेस्टर में आपके नॉलेज डेवलपमेंट में एंड कोडिंग जो बेसिक्स नीडेड होती हैं वो दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकी का टाइम आप 2-2.5 साल प्रोजेक्ट एनहांसमेंट या अदर सब्जेक्ट्स आपके एकेडमिक्स में होते हैं, एक दो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उनको बढ़ाने में आप हेल्प कर सकते, सॉरी आप काम में ले सकते हैं. दूसरा काम हम यहाँ पे लेते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले, जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, या हम बात करें इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है. इसको मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा क्योंकि ये अपना फील्ड है, मेरा फील्ड है, और काफी सारे बच्चे जो है मुझे पर्सनली कई बार ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज कर चुके हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए. तो मोस्ट लाइक डिमांडिंग जो मेरे पास ऐसे क्वेरीज रहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में क्या करना चाहिए. सबसे पहले बात किया क्या नहीं करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी की. अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी के लिए, कुछ बच्चों को रहता है कि सर कोडिंग हमें कितनी आनी चाहिए. कोडिंग जितना मैं बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करें. कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको मैम आएंगे, वो ज्यादा बहुत सारा करेंगे, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ एक बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए, जितना मैंने आपको बताया ना कि बेसिक्स ऑफ BS और बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग जितना मैं बता रहा हूँ. आप क्लासेस सिर्फ अटेंड करते रहे, उतनी समझ में आ रही सिर्फ उतनी ही चाहिए. थोड़ा बहुत आप पाइथन या बैश स्क्रिप्टिंग हम बाद में कर लेंगे, तो कोडिंग की कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन हाँ, दिमाग आपको चलना चाहिए, दिमाग अलग सेंस में, मतलब आप सोते जागते लाइक कहीं पे भी जा रहे हैं हैकरों की तरह सोचना. यहाँ पे मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को बोला करता हूँ, क्या अगर आपको हैकर बनना है तो हैकरों वाले लक्षण पहले डालने पड़ेंगे. लक्षण इन सेंस फ्री रिसोर्सेज ढूंढ के निकालना, इलीगल मेंटेलिटी बनाना, अब काम नहीं करना लेकिन मेंटेलिटी वैसे बनाना, मतलब ना क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट को लेकर ना लूप होल्स निकाल कर यूनिवर्सिटीज को हैक कर ले रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा हैक कर ले रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो चोरों की तरह सोच रहे हैं. लाइक वी हैव टू थिंक लाइक ए हैकर. हैकिंग के लूप होल्स हमेशा ही हमारे आंख के सामने होते हैं. कभी भी मेरे जो रेगुलर सेशन होते हैं उनमें मैंने बताया था स्टूडेंट्स को, हमें देखना होता है. इसका एक एग्जाम्पल ना, अभी मैं चाहता था आपको डेमो देकर दिखा सकता था, मतलब इस टाइम पे चलो मैं थोड़े देर के लिए ना इसको थोड़ा ये कर रहा हूँ, वीडियो को रोक रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ क्योंकि ये YouTube पे पब्लिक जाएंगे, केसेस उठ सकते हैं. साइबर वर्ल्ड में जो लोग घुसना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं ज्यादा बता रहा हूँ. AI वर्ल्ड में थोड़ा सा हम देखेंगे, ज्यादा देखेंगे, ये दोनों फील्ड में थोड़ा ज्यादा देखेंगे. तो
क्या पॉइंट, कुछ तो पॉइंट में बताने जा रहा था। चलो मेरे दिमाग से ना सडनली मिस आउट हो गया। तो साइबर सिक्योरिटी में हमने वो बता दिया कि वो लक्षण आने चाहिए जो हमने बताया कि हमें रिसोर्सेज ढूंढ के आने पड़ रहे हैं। अब मैंने बता दिया कि कोडिंग की उतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है, तो कोई भी इसमें सीख सकता है। अब हाँ, एक चीज आती है कि इसमें प्लेसमेंट के क्या चांसेस होते हैं। प्लेसमेंट आपके यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट बेस्ड है, तो इंटरेस्ट बेस्ड में हमें खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, या कुछ कंपनीज अगर आ गई तो आप उनमें अप्लाई करें, नहीं तो बग हंटिंग अदर कंट्रीज, और इसमें स्कोप भर भर के आने वाले टाइम पे तो और भी ज्यादा स्कोप है। बट हाँ, आपको पेशेंस रख के इंटरेस्ट पे काम करना पड़ेगा पूरा। अगर मन है तो आप इसमें अपना कुछ ना कुछ रास्ता बना लेंगे। अब बात करते हैं इसमें पहले सेमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए। जैसे बाकी सब मैंने बता दिया कि ये करना चाहिए, और इसमें आपको कौन गाइड करेंगे। जैसे इसमें मैं सी प्रोग्रामिंग का डाटा स्ट्रक्चर तक तो जाऊंगा, फिर इन वाले लोगों को मैम गाइड करेंगे जो स्लिथिन की ही मेंबर्स हैं एंड गेट क्वालिफाइड है, तो वो आपको अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट मैंने पहले बताया, मनीष सर विल हेल्प यू कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग चल रहा है उसके बाद आपको इन सेगमेंट में किस तरीके से काम करना है। इसीलिए मैंने बताया था कि अगले 6 महीने के बाद आप में से किसी से मैं पूछूंगा, और मुझे जो है कोई ना कोई इनमें से एक हैकर, एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर मुझे चाहिए, और तब जाके आप अगले वाले पीढ़ी को हेल्प कर सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ ही एड ऑन होते हैं, जब अगले टर्न पे जो बच्चे आएंगे उनको गाइड करेंगे, तो आपको 1-2 सालों में इस तरीके से नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ले लेना है। साइबर सिक्योरिटी में जो बच्चे सिलेक्ट करेंगे उन लोगों को गाइड मैं करूंगा, और मेरे पास टाइम की काफी ज्यादा कमी रहती है, तो मैं सिर्फ वीकली सेशंस देता हूँ साइबर सिक्योरिटी में फ्री में। साइबर सिक्योरिटी में ना कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग आपकी जो चल रही है और वो चलते रहने देना है, उसके साइड साइड से आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ और चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पे जो लोग गलतियां कर जाते हैं। जैसे आजकल स्कैम बड़ी चलते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ओपन कर ले, मोबाइल हैक करके डायरेक्टली दिखा रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे दिखा रहे हैं कुछ चीजें, तो वो 999 रुपए में, 99 रुपए में हैकिंग सीखे, 45 दिन में मास्टर इन हैकिंग, उन सब सब स्कैम है पूरा, उनमें ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसमें ध्यान वह नहीं देना है, क्योंकि टाइम लगता है हैकिंग में सीखने में। ये 6 महीना तो छोड़ो, 1 से 2 साल से भी ज्यादा लग जाएगा पूरा एक्सपीरियंस लेने में। तो मिनिमम अगर आप सही से लगे रहे, मेहनत और जुनून आपका पूरा है, क्योंकि हैकरों का ना तो रात रात में लगे रहते हैं पूरा। हमें भी कई बार 2-2 बजे रात को कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट सूझा, कोई स्क्रिप्ट हमने चला दी या कोई स्क्रिप्ट हमने बना दी, बैस स्क्रिप्ट इंसुलेटेड, कोई आइडिया आ गया मोबाइल को फोन को हैक करने को, तो हम 2 बजे रात को उठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये भूत वाले लोग हैं, तो घोस्ट बोला जाता हैकरों को, रातों में ये ज्यादा काम एक्टिव करते हैं। तो इस टाइम पे दुनिया के सबसे विचित्र तरीके के प्राणी ये हैकरों को ही बोला जा रहा है। और कई बार मैं तारीफ भी इसलिए करता हूँ ना कि चोरों की तरह क्यों सोचना चाहिए, पता है एक हैकर ना कभी पकड़ा भी ना जाए। पुलिस उनको पकड़ क्यों पाते हैं, क्योंकि एक हैकर को सारे देश की पुलिस पकड़ रही होती है। अगर वही तुम लगा दो एक पुलिस और एक हैकर, कभी पकड़ ही नहीं पाएगा भाई पुलिस एक हैकर को, ठीक है। वो पूरे रिसोर्सेस लगा देते हैं, सारे देश की पुलिस, सारे स्टेट की पुलिस, इधर उधर से रिसोर्सेस पूरा। अब एक हैकर उतने सारे स्टेट्स के साइबर सेल और उतने सारे पुलिस को टेकल कर रहा होता है, तो सोचो दिमाग ज्यादा किसके पास में। इसीलिए मैंने बोला था आपको हैकिंग सीखनी भी है तो वैसे क्रिमिनल माइंडेड वाले लोगों से सीखे, लेकिन अच्छा काम करे। तो डार्क वेब के बारे में मैंने इसीलिए बताया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा आप यूट्यूब पे वॉच करें, पार्ट 2 उसकी जो आएंगी प्रोडक्ट्स परचेजिंग वगैरह पे, कार्डिंग वगैरह पे, वो नेक्स्ट संडे को आ रहा है, उसमें वहीं पे अपलोड होंगी। लेकिन लाइव आपको अटेंड करना है तो उसमें डिटेल्स आप सब जगह पे तो कनेक्टेड ही होंगे आप लोग। सो नेटवर्किंग पहला सब्जेक्ट हमें फोकस करना चाहिए। इसके लिए आपको मैंने कुछ सिलेबस भी दिखाए थे, मैं यहाँ पे अगेन आपको दिखा रहा हूँ, बट अगेन इसमें टाइम लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ। हमारे जो है ना एथिकल हैकिंग में मोस्टली जिनको हम 6 से 8 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं वो पेड ट्रेनिंग चलते हैं, बट अभी आपको इन सब चीजों में ध्यान नहीं लगाना है, आपके पास में अभी एक्सप्लोरिंग का बड़ा टाइम है। और मैंने पहले बताया कलेक्शन बनाने हैं, ट्री रिसोर्सेज ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं, समझ में आ रहा है, तो गोन सिलेबस एंड गाइडेंस क्लम है ही। तो आप विदाउट हेजिटेशन कभी भी कहीं पे फंस रहे हैं कुछ टॉपिक्स वगैरह में, तो मैं वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। एंड संडे सैटरडे तो कनेक्ट होते ही, हम लोग सी प्रोग्रामिंग में वैसे भी कनेक्ट होते हैं। तो एडवांस ऑफ नेटवर्किंग ये खत्म करने चाहिए। 8 to 9 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे टोटल इथिकल हैकिंग में, यहाँ पे जितने आपको दिख रहे होंगे इसके अलावा 2-3 सब्जेक्ट्स और होते हैं क्रिप्टोग्राफी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो कुल मिला के बोली जाए तो इथिकल हैकिंग पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में आपको उसमें भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट में थोड़े कम टाइम लगते हैं, बाकी सब में ज्यादा टाइम लगने वाले, इसमें 6 to 8 month लग जाते हैं। ये मैंने पहले पढ़ने को बताया एडवांस ऑफ नेटवर्किंग। और जब आप एडवांस ऑफ नेटवर्किंग पढ़े तो साथ साथ में हैकिंग यूज इन रियल लाइफ, या जिसको हम बोलते हैं
इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ब्लैक हैट हैकिंग, तो ब्लैक हैट हैकिंग भी सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मैं कुछ कंटेंट्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि अंदाजा लगे, क्योंकि इस टाइम पे ना अगर आप टोटल थ्योरी थ्योरी कहीं पे पढ़ेंगे तो भी मजा नहीं आएगा, और आपने टोटल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पढ़ा तो आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपकी कंपनी में प्लेसमेंट ही नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जैसे आपको क्या लगता है कि आपको मोबाइल हैक करना आ गया, लैपटॉप हैक करना आ गया, वाईफाई हैक करना आ गया, तो आपको DRDO में प्लेसमेंट मिल जाएंगे या साइबर सेल में प्लेसमेंट मिल जाएगा या फिर कंपनी में सिक्योरिटी प्लेसमेंट मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। मैं साइबर सिक्योरिटी में ना टोटली एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, क्योंकि ये तो मेरा ही डोमेन है। इसमें तो जो सेपरेटेड क्लासेस चलेंगे उनमें जो जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो सेपरेट सेपरेट सेशन लेंगे जल्दी ही। आज हमारा ये हो गया, अगले टर्न पे जब भी हमारा कुछ सेशन होगा तो वो सेपरेट इंस्ट्रक्टर के थ्रू सेपरेट ऑडियंस पे लिया जाएगा, ग्रुप में नोटिफाई कर दी जाएंगी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आज सेशंस लिए जा रहे हैं, तो वही ऑडियंस उसमें ज्वाइन करेंगे। मैं लूंगा संडे या सैटरडे को लूंगा इस पर, ठीक है, सेपरेटली कौन कौन से होंगे। जब हम डार्क पे पार्ट टू देखेंगे संडे को, उसके पहले सैटरडे को, बाकी इंस्ट्रक्टर जब कनेक्ट होंगे तो बताएंगे अदर चीजों के। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल बता रहा था, जस्ट लाइक आप यूट्यूब वगैरह से करेंगे ना, तो इसमें अभी हो जा रहा है क्या कि हमने जो स्लिथिन को जो बिल्डअप करा था, मैंने स्पेशली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए कर रखा था, जो हमने गवर्नमेंट से वो करा रखी है, क्योंकि इसमें जनरली यूट्यूब और बाकी जगहों पे कंटेंट्स लिटरली नहीं है। मैं ये इसको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे मैं कोडिंग वगैरह बोल देता हूँ कि मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर या एक्सपर्ट अवेलेबल है, उनसे करे पूरा, बट साइबर सिक्योरिटी में जिस तरीके से मैं या फिर हमारी टीम जो गाइड कर रही है उस तरीके से आपको कंटेंट्स नहीं मिलेंगे। ये प्रमोशंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको कुछ सारे बच्चे बाद में बता देंगे जो लोग, क्योंकि इतना टाइम देते हैं कि एक बच्चे पे हम लोग। इसको स्क्रॉल डाउन करा हमने, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर जिन लोगों का जिन्होंने मुझे साइबर सिक्योरिटी के लिए पर्सनली पिंग कर रखा था उनको भी शेयर कर दिया था। ये हैकिंग यूज इन रियल लाइफ है, कुछ एक एग्जांपल देने के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही है, बहुत ज्यादा टॉपिक है इसमें। फॉर एग्जांपल के लिए कि हम डाटा कैसे रिकवर करेंगे, या डार्क वेब से प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, बिटकॉइन से कैसे काम करेंगे, या फिर मोबाइल्स कैसे हैक करते हैं, सोशल मीडिया कैसे हैक करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस कैसे होती हैं, वाईफाई कैसे हैक होते हैं, या नॉर्मल देखो विंडोज के पासवर्ड हैक करना, एंड्रॉइड्स को ब्रेक करना, या फिर कई और सारी चीजें हमने इसमें बताई क्या कि स्पूफिंग एंड ऑल, या फिर तो हमारा यहाँ पे और कुछ कुछ ये दिख रहे होंगे, मैं सब कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो कंटेंट्स यहाँ पे मैंने बताया ना, इसका साइबर सिक्योरिटी में ना तो कंपनी प्लेसमेंट, DRDO, साइबर सेल, जॉब, CH, OSCP, कहीं पे भी कोई भी काम नहीं है। तो इसको पढ़ते क्यों हम लोग फिर? ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए होता है। हम अगर लोगों को बोल रहे हैं कि वी आर द हैकर, तो इट मीन्स हमारे पास कुछ पावर होनी चाहिए, वी हैव समथिंग टू शो। लाइक किसी ने पंगे लिए तो हम छोड़ते भी नहीं है, वो भी होता है साइबर सिक्योरिटी वालों का, वो अलग ही संघ की किस्म के इंसान होते हैं। तो इस वजह से हमें ब्लैक हैट माइंडेड स्किल्स लेनी ही पूरा, और ये हमें मोटिवेशन देगा, और यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन। तो ये एक एक करके आप सब्जेक्ट से पढ़ते जाएंगे, लास्ट में आपके डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन आएगा। ये सब्जेक्ट्स मॉड्यूल, इसमें कुछ इस तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट्स को डाल रखे हैं, क्रिप्टोग्राफी एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी दो और होते हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर रखे, ये आउटडेटेड सिलेबस है जो मैंने बना रखा था, तो दो सब्जेक्ट्स और होते हैं। अगर इतना आपने करा तो आप समझे कि लाइक आपकी कंप्लीट एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोगों का ना, अब ऐसा नहीं, हैकिंग में भी ना हैकिंग के अंदर में कई सारे सेपरेटेड सेपरेटेड मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे किसी का मन करके सर हम तो सिर्फ CH या OSCP पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, तो वो इन सब्जेक्ट में से पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट जो यहाँ पे VAPTR है इसको लेके अपनी एक्सपर्टाइज बनाते हैं। जैसे अब अगर मेरी बात करें तो एथिकल हैकिंग में ना हर फील्ड में हर लोग एक्सपर्ट नहीं होता, मेरी एक्सपर्टाइज डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन में। एंड अभी मैं जो बता रहा था बच्चों को कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी टीम जा रही है तो अदर कंट्रीज से MS भी करने वाला हूं मैं डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन में। अभी हम बता रहे थे कि जो बच्चे अभी हमारे साथ में कनेक्टेड है उनके लिए अगले एक दो सालों के बाद जो पास आउट होंगे, आप जब निकलेंगे उस टाइम तक हमारी कम्युनिटी अदर कंट्रीज में रहेंगे, आपको डायरेक्टली वहां पर रिकमेंडेशन दिया जाएगा, आप डायरेक्टली अदर कंट्रीज को भी प्लेस हो सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं। वहां पे 60 लाख एंड 70 लाख, US में तो 100 लाख डॉलर से प्लस प्लस दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं करूँ, अदर चीजों की भी बात करूँ, तो वाई लाइक हम क्यों इंडिया में प्लेसमेंट वहां पर सिर्फ ये रहे पूरा, तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अदर कंट्रीज वाले भी। थोड़ा सा फोकस करना है, इतना हम मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा ना ऑर्डिनरी से थोड़ा सा हटके प्लेसमेंट लिए, ताकि हमारी खुद की भी नाम हो, आप में से किसी का प्लेसमेंट हो हम हाईलाइटेड होंगे कि हमने कराया है इन बच्चों को। तो हाँ, मैंने बताया कि किसी का ना ऐसा कुछ मन हो तो इस पे फोकस करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं सर हमें तो आइसोलेटेड वर्क करना है, हम सिर्फ बग हंटिंग में काम करेंगे, तो वो लोग ना सारे फील्ड को समझ लिए एंड देन पर्टिकुलरली उस फील्ड पे काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्टली डिजिटल फोरेंसिक्स पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहे हैं, इनको वो लोग पढ़ते हैं जो साइबर सेल या फिर इन्वेस्टिगेशन या DRDO या हमारे गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में जिनको जुड़ना होता है वो लोग इसको ज्यादा ध्यान देते हैं।
मालवेयर एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, ये हमारा अभी दो तीन कंपनीज है सिक्योरिटी कंपनी की, जिस दिन मैं लिस्ट बताऊंगा आपको कि कौन कौन से सिक्योरिटी कंपनीज की लिस्ट है एंड उनके रिक्वायरमेंट्स क्या आते हैं, ठीक है। वो इससे भी एग्जाम देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक तो जरूरी इसलिए भी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 1-1 लाख रुपए कौन लगाए उतना, तो पहले आपको स्किल्स पे फोकस करना है। जब आपको लग जाए कि इतनी स्किल्स आ गई तो आप कुछ बग हंटिंग कर लें, थोड़े बहुत अर्निंग कर लें, उसके साथ साथ आप सेकेंड थर्ड ईयर तक भी उसको क्रैक कर लें, तो आप फोर्थ ईयर के बाद फिर क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। आपके पास जब पैसे आ जाएंगे, स्टूडेंट के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो CGH कर सके या OSCP कर सके, या कई जगहों पे तो इतने ज्यादा स्कैम हो जाते हैं हैकिंग वैकिंग सीखने के लिए, उसके वजह से भी मुझे सिलेक्शन में इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। एंड इस टाइम पे हम फिर उस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, तो OSCP ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको आगे चल के इन फ्यूचर में करना पड़ेगा वो, लेकिन जब पैसा आ जाएंगे तब आप सोच सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि मालवेयर एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट्स पर अगर किन्हीं अच्छे खासे पकड़ है, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट कर रखा होगा या फिर उन्होंने एंटीवायरस बनाया, कुछ ऐसा कुछ रैट बना लिया, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट बना लिया, ऐसे प्रोजेक्ट्स, तो फ्रेशर्स को भी 10-12 लाख प्लस पैकेजेस मिल जाते हैं आराम से। आप जिस कॉलेजेस में है वैसे कॉलेजेस से भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे SIIT यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेजेस वाले कोई बच्चे यहाँ पे होंगे तो आपके जिन सीनियर्स हमने कल मिलवाया था वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जबकि आपके यूनिवर्सिटीज में सिक्योरिटी की कोई प्लेसमेंट नहीं होती, बट वो स्टूडेंट्स इतना एक्सपेरिमेंट करके अभी कैपेबल इतना बना लिया है कि उनकी प्लेसमेंट आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर सिक्योरिटी कंपनीज में ही होंगी, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, अभी मैं ज्यादा फिर लेट नहीं करता हूँ, हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे, बाकी फील्ड हमारे रह जाएंगे। तो नेटवर्किंग पे अभी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और छोटे मोटे जो बेसिक्स हैकिंग के कंटेंट्स होते हैं जिनको मैंने ब्लैक हैट हैकिंग बोला, या फिर तो मैं बोलता हूँ जिसको रियल लाइफ हैकिंग, ठीक है, मैं इसको रियल लाइफ हैकिंग बोलता हूँ, ब्लैक हैट नहीं बोलता हूँ, रियल लाइफ में यूज होने वाले हैकिंग जो हमें हैकिंग से रिलेटेड पावर देते हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स आपको फोकस करना है। जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे मुझे पिंग करना, मैं आपको आगे के सब्जेक्ट्स बताऊंगा, लेकिन आप लेके चले कि 8 मंथ की जर्नी लगेंगी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट एड ऑन करते हैं, फिर हम AIML में जाएंगे, कौन से तरीके के बच्चों को ये अटेंड करना चाहिए या फिर किस तरीके के बच्चे को साइबर सिक्योरिटी में लेना चाहिए। तो देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में मैंने बता देते हैं उसमें क्या क्या चीजें आते हैं साइबर सिक्योरिटी में, हैकिंग, बग्स, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि किसी ने कोई मॉडल कोई प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्या बग्स वगैरह हैं, या फिर आप अलग तरीके के रिसर्च करेंगे कि सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आप नेटवर्क बेस्ड में जा सकते हैं कि IP एड्रेस कैसे काम कर रहे हैं या उसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, या फिर आप इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं कि कहीं पे कुछ अटैक हो गया किसी कंपनी में, या अभी भी हमें भी कॉल किया जाता है क्या किसी स्कूल के सर्वर में कुछ अटैक कर दिया गया, या कहीं पे कुछ साइबर क्राइम हो जाते हैं तो वहां पे जाके इन्वेस्टिगेट करना, उनके डाटास को निकालना, पकड़ना क्रिमिनल्स को, तो ये सारे काम जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर में आते हैं। जिनको नहीं पता, ये मोस्ट डिमांडिंग है एंड आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से इसमें ज्यादा वैकेंसीज निकलेंगी साइबर सिक्योरिटी में। सो दैट्स ऑल अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। और फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में क्या करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी वालों को, पहला तो आप जो सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको पढ़ते रहे, एकेडमिक्स वाले कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको और एड ऑन करूंगा जो प्लेसमेंट में चाहिए होते हैं, जो DBMS या फिर तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के जो सब्जेक्ट हो गए। एक सेमेस्टर में आपको क्या करना है, नेटवर्किंग ये आपको खत्म करने की कोशिश करनी है साइड साइड से, मतलब ये आपको डुअल में काम करना है, ठीक है। एक आपको इंटरेस्ट पहचानना है और एक आपका सबका इन जनरल जो चल रहा है वो तो करते रहना है, तो जनरल वाला तो हम करते चल रहे हैं, इंटरेस्ट वाला आप डिसाइड करके फिर उसको जो मैंने अभी बताया उनमें से कोई एक पॉइंट को उठा के करते रहना है। सो नेटवर्किंग एंड रियल लाइफ एंड हैकिंग, इसको आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करना है जिनको हैकिंग में जाना है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अदर किसी इंस्टीट्यूशन से कहीं से कुछ ये कर रहे हैं तो फिर तो वो जैसा गाइड करेंगे उनके हिसाब से करें। फिर सेकेंड सेमेस्टर में बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ उनको सबको निपटा देना, मतलब एक साल में आपकी टोटली इथिकल हैकिंग में मास्टरी हो गई पूरी उस तरीके से। एंड सेकेंड सेमेस्टर से आप एंटीवायरस बना रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या साइबर सेल वगैरह में कहीं पर इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, या फिर आप किसी सर्टिफिकेशन एग्जाम पे काम कर रहे हैं, या फिर एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसमें, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने आपको मोबाइल हैक करना बता दिया, आपने किसी का प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं किया तो 2-4 बार जब तक आप हैक नहीं कर रहे थे हमें फील नहीं आता कि हम हमारे से हो पाएगा, तो वो चीजें भी एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। तो इसके बाद आप बातचीत करते हैं AIML की। AIML भी काफी ज्यादा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। अभी इसके लिए मुझे स्पेशली जो NIT के कुछ फैकल्टीज हैं उनको असाइन करना पड़ रहा है सिलेक्शन में, जल्दी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, हम एक्चुअली एक टीम ही बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो जितना जल्दी फ्री हो जाए आपके साथ में कनेक्ट होंगे। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से कंपनीज में चांसेस हैं, कितना ग्रो आप कर सकते हैं उस फील्ड में, उसके बारे में बताएंगे। अगर हम बात करें क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है सबसे पहले, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ना हम कल ही बता रहे थे कुछ बच्चों को, हमने रोबोट मूवी देखा होगा ना, वो जो चिट्टी वाला रोबोट वाला मूवी, तो उस रोबोट वाले मूवीज में, अच्छा टिल दैट कि मैं AIML को इससे पहले कि स्टार्ट करूं, अब तक हमने 3-3 ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर लिया। कोई डाउट किसी का है तो 2 मिनट वो पूछ सकते हैं, फिर हम AIML और डाटा साइंस को कंक्लूड करेंगे। किसी का कुछ डाउट?
हैकिंग में मैथ्स की जरूरत है क्या? बहुत ज्यादा नहीं, कोई एग्जाम की ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डेमो दूं हैकिंग का? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं दे सकते हैं हैकिंग का। डेमो के लिए आप पलवान क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या नाम है, आप पलावन, ठीक है, स्लिथरिन इंडिया करके जाएं, उसमें कुछ कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड होंगे। एंड मैंने पहले ही बताया था, अदर देन बाकी यूट्यूब चैनल हमारे कोई स्कैमिंग वगैरह कुछ भी नहीं चलते, तो उसमें जो चीजें होती है जेन्युइन होती है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ लाइव भी कनेक्टेड होते हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ वीडियो वहां पर डाला जो वर्किंग नहीं है या कुछ काम का नहीं है, या फिर ऐसे हमने सिर्फ वो रीचनेस बढ़ने के लिए अगर हमने डाल दिया, तो फिर स्टूडेंट्स के अलग ही कमेंट्स आएंगे, तो वो भी हम नहीं चाहते। साइबर सिक्योरिटी सेकेंड सेम के बारे में वापस बताओ सर। अच्छा सर, हैकिंग की क्लासेस 2 दिन से ज्यादा कर नहीं, टाइम नहीं मिलेगा मुझे, और इतना टाइम हमारे पास में है भी नहीं, क्योंकि मुझे ना ऐसा है कि देखो, जैसे आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स को, पहले मैं इनको कंक्लूड कर देता हूँ साइबर सिक्योरिटी सेकेंड सेम के बारे में। सेकेंड सेम का मैंने ये बताया कि पहला सेमेस्टर पे आपको अभी क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ करते चलना है, एकेडमिक्स वगैरह के सिलेबस वगैरह अदर सब्जेक्ट्स फिजिक्स या मैथ्स वगैरह वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा, तो थोड़ा बिल्डअप करते चलना है, वो एक साइड से। दूसरे साइड से आपको पहला सेमेस्टर में नेटवर्किंग और रियल लाइफ हैकिंग पे फोकस करना है, एक सेमेस्टर पे फोकस करना है। सेकेंड सेमेस्टर में जैसे आप पहुंचेंगे तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पीडीएफ आपको मैं अभी शेयर करूंगा, उनके सिलेबस को अकॉर्डिंगली फॉलो करें, यूट्यूब से सर्च करें, टॉपिक सारे लिखे हुए वहां पे, तो उनको आप उस तरीके से जा सकते हैं। नहीं तो किसी दिन मैं सेपरेटली बता दूंगा आपको सेशन लेके कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या फ्री रिसोर्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कंटेंट्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे बहुत सारे, तो कहां से पढ़ने चाहिए मैं किसी दिन सेपरेट सेशन में आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से करके आपको 1 साल में खत्म कर लेना है, और उसके बाद फिर आप साइबर सेल में इंटर्नशिप्स एंड एनपीटीएल वगैरह एग्जाम होता है। अभी 2 बच्चे हमारे स्लिथरिन के, उन्होंने कल ही एग्जाम दिया हुआ है एनपीटीएल का, तो मैं आपको बता भी देता हूँ इसके बारे में। ये हर ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, मतलब ऐसे लोग जो आईआईटीज नहीं जा पाते और चाहते हैं कि आईआईटीज के प्रोफेसर से पढ़ाई कर ले, तो उन लोगों के लिए साल में 2 बार होती है। इस बार तो हो गया, अभी नवंबर में नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको वापस से पिंग करूंगा। तो यहाँ पे ना मैं नीचे आता हूँ, लिस्ट ऑफ कोर्सेस जुलाई से दिसंबर वाला, अभी मार्च से अप्रैल वाले में आप वापस से ज्वाइन हो सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड को भी बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में। फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए ना, जो ऐसा कि मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग जो हमारी चल रही है आप उनको करते रहें, और उसके साथ साथ में नवंबर से आपको HTML एंड CSS वगैरह पे वेबसाइट कैसे बनते हैं उसके बारे में एक सेशन आपको दे दिए जाएंगे, 15 to 1 month के वो सेशन होंगे। एंड उसमें आपको कंपनीज की तरफ से सर्टिफिकेशन भी दे दिया जाएगा, हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा देंगे, सो दैट कि आप कहीं पे अपने रेज्यूमे वगैरह पे हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि फ्रीलांसिंग वगैरह करने में हेल्प मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। एक अपने जो स्टार्टिंग के जो मेरे फर्स्ट ईयर हुआ करते थे, उस टाइम पे मैं भी ऐसे दिया करता था, IIT बॉम्बे से, IIT मद्रास से, कई सारे सर्टिफिकेशन एग्जाम मैंने यहाँ से कंप्लीट करे। एंड आप यहाँ से अगर इस सर्टिफिकेट को दिखाते हैं तो आपके एकेडमिक्स में एक क्रेडिट भी अप हो जाएगा, मतलब आपके CGPA कम आ रखे तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज इसको रिकमेंड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको रिकमेंड करती है, तो आपके क्रेडिट्स भी बढ़ जाते हैं अगर आपने यहाँ सर्टिफिकेशन करा, क्योंकि यूडेमी और कोर्सेरा से इसका ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि आपको प्रॉपर वैसे सेंटर पे जाके एग्जाम देके क्वालिफाई करके फिर सर्टिफिकेट मिलती है। तो यहाँ पे ना हर साल ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, तो ये लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। IITs पढ़ाते हैं यहाँ पे, अच्छा पढ़ाते हैं, IIT के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, मैंने खुद कर रखा है। अभी जल्दी ही क्वांटम में कोई नहीं बताता है, हाँ वो क्वांटम में ना ऐसे इशू है, वो पंगे हैं मुझे, तो आप वहां से पूछो ना जहाँ पे आपके दिक्कत आ रहा है। इनफैक्ट इसीलिए तो मैंने बताया, जितने भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे कनेक्ट हो रखे, अगर ऐसा कुछ इशूज आता है ना, मेरे साथ में पर्सनली बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप 12 PM to 2 PM के बीच में मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं वैसे आपको पर्सनली बता दूंगा अगर कहीं पर डाउट आ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही हमें, तो ये सारी चीजें। मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड सर आपके साथ प्लेन सीएससी के साथ साथ हैकिंग कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों ने पूछा ना कि हमारे प्लेन सीएससी और किसी पर्टिकुलर डोमेन में हमारे इंटरेस्ट है, तो वो जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं होती कि हमारा इस फील्ड में अगर ब्रांच है तो हम उसको नहीं कर सकते, आप किसी फील्ड से किसी फील्ड में कर सकते हैं। क्या पता ज्यादा मना है तो आप सेकेंड ईयर में चेंज कर देना, ठीक है। एक मिनट, इसके क्या डाउट आ रहे हैं, रुको, क्वांटम वाले बच्चे होंगे ये लोग जिन्होंने अभी मैसेज किया। बताते हैं भैया, अमन भैया है और अंशुमन भैया भी हैं। एग्जैक्टली, आप उनके साथ भी सीख सकते हैं। मैंने बताया ना, अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे आप कनेक्टेड हैं यहाँ पे, आपके ऑलमोस्ट सीनियर्स जो आप हाईलाइटेड देखते होंगे, जो थोड़ा अच्छा खासा हाईलाइटिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जिनके अच्छे खासे नॉलेज है, उनको 1 साल 2 साल पहले मैंने ही उन लोगों को गाइड करके वहां तक पहुंचाया, या हमारी टीम ही वहां तक गाइड करके पहुंचाई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चयन आपको पहली पहली बार पता चला, आप अगले ईयर्स में आप खुद बच्चों को बता रहे होंगे वहां पे, तो इसलिए सीखना है पहले आपको, 6 महीना 1 साल में बनना है उतना कुछ अच्छा पूरा।
यहाँ पे और नीचे आते हैं, आपको करना क्या है, यहाँ पे मुझे जो बताना था कहाँ गया, तो इतने सारे सब्जेक्ट दिख रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, किसी को प्रोग्रामिंग करना है, देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग इन जावा, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द प्रोग्रामिंग इन सी, तो जो बच्चे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इन सी बोल रहे थे वो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, देखो IIT KGP करा रहा है। हम यहाँ पे जाते हैं डिमिस्टिफाइंग नेटवर्किंग में, तो जो अभी मैं हैकरों के लिए बता रहा था कि नेटवर्किंग करनी चाहिए, आपने एक बार जब उसको पढ़ लिया तो अगले साल आप कोशिश करें कि मार्च वगैरह पे इन जैसे सर्टिफिकेशन को करें, और इससे रिलेटेड ना कई सारे और भी कंटेंट्स हैं, कौन से साइबर सेल के नोटिफिकेशन कब आते हैं, जैसे हर साल मई में गुरुग्राम साइबर सेल का होता है, हमारी कंपनी भी हर साल अक्टूबर में कराती है, बट इस साल आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपको थोड़े समझ में कम आएंगे, बट नेक्स्ट ईयर से आप अक्टूबर से हमारे कंपनीज के साथ भी, या जो MNCs है जो सिस्को हो गए या फिर जो सिक्योरिटी कंपनीज है उनके साथ आप कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर से हम प्लान करेंगे। तो इस ईयर में सारे हैकरों के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आप हैकिंग सीख के अपना कंप्लीट कर ले एक साल में, वेदर आप कोई भी करो, बीसीए में हायर प्लेसमेंट के लिए, एक मिनट, बीसीए वालों क्या है, बीसीए में हायर प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना होगा, बीसीए में हायर प्लेसमेंट के लिए ना आपको पहली बात तो ना आप ये ध्यान में रखें क्या कि आपके प्लेसमेंट नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हो जाएंगे, जो आप अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, डीएसए वगैरह कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप फोकस करें क्या कि बीसीए के बाद ना ज्यादातर कंपनीज आपको उतना नहीं देते प्लेसमेंट, ज्यादा पैकेजेस नहीं देते, तो आप अपना मैक्सिमम इफर्ट मारे, इंटरेस्ट पहचाने, और उसी इंटरेस्ट के बेस में जितनी की आपको लगेंगी, हालांकि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो लगी जाएंगे ऑलमोस्ट जितना अच्छा खासा लगना चाहिए 6-8 लाख की, एंड उसके बाद फिर आप एमएस डिग्री को प्लान करें, एमएस डिग्री में आपका जहां पे इंटरेस्ट बन, लाइक आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट बन रहा है तो एमएस डिग्री वहां से कंप्लीट कर ले, तो आपका बेहतर फिर लास्ट में हो जाएगा। सो यहां पे मैं बता रहा था कि ये सारे कंसेप्ट है ना, जब आप पढ़ेंगे तो इनमें आप एग्जाम देके सर्टिफाई होंगे, और सर्टिफाई होने के बाद फिर आप इसमें सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। मैं कल ही आपको दिखा रहा था कि कुछ कुछ जो ऐसे स्कूल के जो बच्चे, जहां पे मैं अभी फिजिकली अवेलेबल हूँ वहां पे मेरे घर पे ही कुछ बच्चे आ जाते हैं, और 9th क्लास को सारे जेन्युइनली बच्चे जो है, मैं एक मिनट किस तरीके से होते हैं वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये बच्चे अभी 9th 10th में है, तो जब ये सारे बच्चे कर सकते हैं तो लाइक वाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, इनका वेटेज ज्यादा है, आप जब रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे किसी कंपनीज में तो इनके बेसिस पे भी प्लेसमेंट हो जाते हैं। गूगल पे क्लिक करा, इनमें कई सारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, बस ये लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद फिर हम AIML में फोकस करेंगे अभी। तो ये ओपन हुआ एंड कोर्स आउटलाइन आप देख सकते हैं इसमें, week 1 वगैरह पे इस तरीके से ये कराते हैं IITians के प्रोफेसर, और यहाँ पे ना वो वीडियोस देते हैं, आपको वीडियोस वॉच करते जाना होता है, और एट लास्ट में जो आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें बातचीत करूँ असाइनमेंट वगैरह की स्कोर की, तो प्रोग्रेस पे अगर हम जाते हैं, इनके देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें प्रोग्रेस इस बच्चे ने किस तरीके से कर रखा है, असाइनमेंट 1 में 100, 189 एंड 78, इसके बाद फिर अभी सेंटर पे एग्जाम लिखने को गए हुए थे 25 को ही, और 25 को इनका रिजल्ट अच्छा गया क्योंकि मैं खुद पढ़ाया था इन लोगों को, अब इनकी रैंकिंग अगर अच्छी आ जाती है तो हाईलाइटेड हो जाएंगे इन लोग, तो मैं ये लिंक भेज देता हूँ, ठीक है, ये नहीं, तो ऐसे ना कई सारी चीजें हैं जो आपको विद इन द ड्यूरिंग द क्लासेस जब आप कनेक्टेड रहेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा साइबर सेल वगैरह में किसी दिन में सेशन लूंगा कि इन बिटवीन द ईयर कौन कौन से नोटिफिकेशन आते हैं। फाइन, तो ये क्लियर हो गया थोड़ा सा, बीसीए के लिए कौन से ये मैंने बता दिया, अब हम जाते हैं AIML में। तो AIML में हम बातचीत कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ वेब डेवलपमेंट में था, उसी का प्रोफाइल है। रितिम हमारे साथ में थोड़े काफी टाइम पहले से कनेक्टेड है तो इसको पता होगा, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन 1 साल से ट्रेनिंग वगैरह हो रही है उसकी, तो काफी फाइनेस्ट चला गया। अभी ये बच्चा तो कंफर्मली आगे आने वाले टाइम पे गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऐसे जगहों पे प्लेस होगा, क्योंकि इतने कम एज में बच्चे कम ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे हाँ AIML बातचीत करते हैं, AIML ना है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अगर हम बातचीत करें तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था मैं कि रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देना, अलग जो हमने पिक्चर वगैरह हम देख रहे हैं रोबोट्स में ऐसे प्रोग्रामिंग करने की ऑटोमेटिकली खुद से सारी चीजों को कर रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में ना घुसा पड़ा है। जैसे कि अगर हम किसी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी यूट्यूब पे हमने क्या करा, कोई एक चैनल देख रहे हैं या फिर तो किसी पर्टिकुलर एक वीडियोस को देख रहे हैं तो उसी तरीके के वीडियोस हमें रिकमेंड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो AI इम्प्लीमेंटेड होते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम बात करें तो नेटफ्लिक्स में यहाँ पे दो लोग जो है, सपोज दैट पर्सन ए, लाइक मैं हम एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे प्रांजल है, प्रांजल को 2 मूवी पसंद है, लाइक मूवी विवाह या फिर मूवी उरी पसंद है उसे, और वो 3 मूवी देखता है, तो विवाह, उरी और फिर सपोज दैट की कोई एक और मूवी हमने ले लिया,
जुमान जी ले लिया, ठीक है। और दूसरे पर्सन यहाँ पे लाइक मान लेते हैं कि दीप सिंह है, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे प्रांजल का एग्जाम्पल लिया और दीप सिंह का एग्जाम्पल, दोनों नेटफ्लिक्स पे अकाउंट बना के अपना काम करते हैं, मूवीज देखते हैं, और दीप सिंह को दो मूवी पसंद है, विवाह और उरी, एंड जुमानजी की जगह में ना समहाउ लाइक मान लो कुछ फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी कुछ पसंद है वहां पे, ठीक है। तो अब नेटफ्लिक्स क्या करेगा, अगर दो चीजें मैचिंग करे ना, तो एक पर्सन के जो तीसरी मूवी उसको प्रांजल को, और जो प्रांजल की जो एक मूवी बची हमारे कुछ भी, तो उसको रिकमेंड करेगा दीप को। तो इस तरीके से रिकमेंडेशन वगैरह भी होते हैं, स्मार्ट बेसिस पे काम होते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं, ये सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होते हैं। अब इनमें जो मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्लाउड के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमें मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें यहाँ पे सबसे पहला लैंग्वेज जो शुरुआत करना चाहिए वो पाइथन से करना चाहिए, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें मशीन लर्निंग में आगे बढ़ना है। तो सी प्रोग्रामिंग अगेन एकेडमिक्स में चल रहे हैं तो बेसिक्स वाला उसको आप करते रहें, लेकिन उसके बाद फिर आपको पाइथन पे फोकस करना है। उसके बाद फिर ML लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मशीन लर्निंग पे थोड़ा फोकस करनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत क्लाउड पे फोकस करना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको नैनो टेक्नोलॉजी जैसे चीजों पे फोकस करना चाहिए। मैथ्स तो मैंने लिखा ही नहीं, मैथ्स भी लिख रहा हूं ऊपर में, पाइथन के साथ में यहाँ पे मैथ्स भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह क्या होते हैं हम कभी बीच में बाद में आपको बताएंगे, अभी ज्यादा डिटेल में हम किसी पे नहीं बता रहे, आपको इसी फील्ड के एक्सपर्ट ज्यादा अच्छा बताएंगे, हालांकि मैं बता तो सकता था, पढ़ाना तो कम से कम बताने को तो बता ही सकते थे। तो ये सारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स होते हैं। अब कौन से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने चाहिए, अगेन ये भी ना, ये वाला और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग दोनों दिमाग वाले बच्चों के लिए आता है। अगर लॉजिक बिल्डिंग उतनी हमारी तगड़ी है, हमें लग रहा है कि हाँ हमारा दिमाग उतना अच्छा खासा चलता है, इसमें तो सेकेंड ईयर तक भी मैथ्स रहते हैं, तो मैथ्स का लाइक इसमें जबरदस्त रोल है पूरा इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट ऐसा कुछ आ रहा है कि हाँ ऐसे जो मैंने बताया कि हाँ ऐसे फील्ड में हम काम करना पसंद करेंगे कि हम नया कुछ इनोवेटिव बना रहे हैं, हर चीज आजकल ऑटोमेशन पे चल रही है, हम हर चीजों को मशीन से बना, सॉरी हर मशीन को रोबोट से बना दे, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स वगैरह बनाए, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करें, कुछ नया इनोवेशन। हम आजकल जितना मूवीज वगैरह हम देखते होंगे ना हॉलीवुड मूवीज में, नया नया इनोवेशन वो सब कुछ AI का काम है, ठीक है। सो आपको स्टार्ट पहला सेमेस्टर में क्या करना चाहिए, पहले सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ आप मैथमेटिक्स में थोड़ा ध्यान दें, पाइथन को भी स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मशीन लर्निंग एंड क्लाउड एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इन चीजों पे आपको फोकस करनी चाहिए, और इसके साथ में आप AI बेस्ड प्रोजेक्ट पे ध्यान दें, जैसे कि हमने आयरन मैन मूवी में देखा था जार्विस वगैरह था, ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह उस तरीके से आपको काम में लेने हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि AI डिटेक्शन ऐसे ऐप है कि एक ऐप से हमने स्कैन करा और वो ऐप जो है ऑटोमेटिकली हमारे अगल बगल में कितने सामान है वो कितने दूरी में है, इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह भी बन गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें उसमें यूज होती है, तो वो काम में आता है। नाउ लास्ट 10 मिनट्स हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, हम डाटा साइंस, प्लेन CSE और क्लाउड कंप्यूटिंग पर बात करते हैं। तो प्लेन CSE में जो लोग है ना उनके पास में ओपन अपॉर्चुनिटीज है, वो किसी में भी जा सकते हैं, आइदर इसमें किसी में भी, ऐसा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहता कि हम अगर इस ब्रांचेस से हैं तो हम प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, साइबर सिक्योरिटी वाले अगर हम इस ब्रांचेस से हैं तो हम उस पर नहीं बैठ सकते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने तो अपने टाइम पे हमारे साइबर सिक्योरिटी की डोमेन थी, लेकिन पैकेजेस हायर पैकेजेस वाले डेवलपमेंट में आ रहे थे, तो डेवलपमेंट वाले कंपनीज में बैठ गया था, उस तरीके से भी था, हमने क्रैक भी कर लिया बट इंटरेस्ट नहीं थे तो हमने छोड़ भी दिए, उस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्लेन CSE वाले कहीं भी जा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको जो है ना जो गूगल ड्राइव हो गया या फिर Amazon AWS, मतलब कि जो आपके वर्चुअल जो स्टोरेज होती है, तो वर्चुअल स्टोरेज में डाटा किस तरीके से हैंडल होते हैं, आपको बिग डाटा वगैरह पढ़ना पड़ेगा वहां पे, वहां उसकी सिक्योरिटी वगैरह के बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी, मैनेजमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आजकल सबको पता है कि लोग पेन ड्राइव या SD कार्ड या फिर हमारे ऐसे मेमोरी वगैरह का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और क्लाउड वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे अपने डाटा को ज्यादा रख रहे हैं, तो कितना सेफ है, डाटा लीक वगैरह तो नहीं हो जाएंगे, कुछ लोग अगर हैक कर लिया तो क्लाउड के सारा डाटा लीक हो जाएंगे, तो टोटली उनकी हैंडलिंग वगैरह सारा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में आता है। डाटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एकदम ऑलमोस्ट रिलेटेड है। डाटा साइंस में आपका जो है डाटा की हैंडलिंग वगैरह आती है, इसमें आपको अगेन जो बिग डाटा वगैरह में बता रहा हूँ अलग फ्रेमवर्क है, कुछ कंपनीज पर्टिकुलरली इसी में काम करती है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी अगेन पाइथन से स्टार्ट करनी चाहिए आपको। तो ये दोनों जो लिखा है ना मैंने, AI ML और डाटा साइंस, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, और फिर क्या मैंने जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग लिख रखा है और प्लेन CSE, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, और ये सिर्फ फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल फुल स्टैक डेवलपमेंट टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड है, साइबर सिक्योरिटी टोटली प्रोजेक्ट, ये अलग अलग चला जाता है। AI ML भी टोटली डिफरेंट है, बट हाँ AI ML और डाटा साइंस को अगर हम इंक्लूड करें तो थोड़ा थोड़ा ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इस तरीके से कुछ कुछ काम होते हैं। सो आई गेस कि मैंने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बता पाया हूँ
कि कौन कौन से ब्रांचेस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो आप इनमें आज के बाद जो है जाएं और YouTube वगैरह पे अलग से सर्च करें आपका जहां पे मन लग रहा है। अच्छा AIML मैंने बता दिया किन लोगों को करना चाहिए, अगेन जिनकी थोड़ी तगड़ी मैथमेटिक्स वगैरह होंगी, अच्छा खासा शार्प माइंडेड है, वो लोग कर सकते हैं वहां पे। डाटा साइंस नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। ये सब कुछ मैंने बता दिया, तो आपको खुद से सोचना है और 2 से 3 दिनों के अंदर में डिसाइड करके बताना भी है, क्योंकि हमारी सी प्रोग्रामिंग तो कल से चलती रहेंगी, लेकिन 2 से 3 दिनों में एक एक बच्चे से पूछूंगा, जिनका जहां पे इंटरेस्ट आया उनका सेपरेट चलेगा, वो सेपरेशन ना 1 सप्ताह के बाद हो जाएंगे हमारे, टाइम लग रहे हैं तब तक हमारे साथ इंस्ट्रक्टर भी जुड़ जाएंगे सारे लोग, तो अलग अलग सेपरेट क्लासेस चलेंगी। फिर आपको नो नीड टू अटेंड लाइक कि मेरे जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें आपको अटेंड नहीं करना, सिर्फ सी प्रोग्रामिंग वाले के लिए अटेंड करना है, वो आपको अलग टाइमिंग बताएंगे या अलग रिसोर्सेस बताएंगे, तो उन रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूं और कंक्लूजन इज दैट, आज के कंक्लूजन क्या निकलते हैं, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने बच्चे यहाँ पे हैं उनको भी सी प्रोग्रामिंग और जो आपके मैथमेटिक्स वगैरह एकेडमिक्स वगैरह जो चल रहे हैं, अब फिलहाल तो मैं सी प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सी प्रोग्रामिंग ये हमारी जो चल रही है ये आपको करते रहने, 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, कल हमारा 4th लेक्चर उसमें कंप्लीट होगा, आप वॉच कर ले वहां से। दूसरा काम एकेडमिक्स को ध्यान में देते रहे, आप में से किसी ने मुझे जो है ना, बाकी दोनों यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे सिलेबस भेजा नहीं, सिलेबस भेजेंगे तो मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स वगैरह के कुछ क्वेश्चन है सिर्फ एकेडमिक्स में पास होने जितना उतना मैं बता दूंगा, सिर्फ उतना ही ध्यान देना है, बाकी हम अपने डोमेन में फोकस करेंगे। तो एकेडमिक्स एंड इनमें ध्यान देते रहे, पहला काम तो ये करना था। इसके अलावा अभी आपको मैंने ब्रांचेस से रिलेटेड उसमें क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे बता दिए मैंने, तो आप उनमें से चूज करें और नेक्स्ट वीक के बाद जो है हमारे सेपरेट क्लासेस चलेंगी, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वालों का अलग नेक्स्ट वीक से, या हैकिंग वालों का थोड़ा सा अलग, उनका तो सिर्फ वीक में चलेगा, तो उनका अलग, इस तरीके से क्लासेस चलने वाली है हम लोगों की। तो ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज इनके आ रहे हैं, मेरे सिलेबस मिल गया है फर्स्ट सेम का, हाँ फर्स्ट सेम का रितिम भेज दिया था ना तुमने, हाँ एक बार फिर से मुझे भेज देना, ठीक है फिर से भेज देना ग्राफिक गिरा वाला, ठीक है। एंड दूसरे जो यूनिवर्सिटीज के थे उनमें से भी मुझे कुछ सिलेबस नहीं आए थे, तो वो भी स्टूडेंट्स भेज दें। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप नेक्स्ट वीक से डिवाइड होंगे, सिक्योरिटी वालों का अलग हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम अलग होगा, उनके जो एडमिन्स होंगे। अच्छा हाँ मैं बता रहा था कुछ बच्चों को कि मुझे क्यों कितनी टाइम नहीं मिल पाती हैकिंग वगैरह पे, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने जितना बताया कि अगर आप में से कुछ बच्चे जो है कोडिंग वाले में जा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स वाले में जा रहे हैं, कुछ हैकिंग वाले में जा रहे हैं, कुछ डाटा साइंस में जा रहे हैं, या कुछ नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो पता है जितने भी एडमिन्स है ना उन सबको मुझे ही इंस्ट्रक्शन देना होता है, सो दैट इज द सीक्रेट पॉइंट जो बाकी बच्चों को नहीं पता होगा। अगर मैं नहीं ध्यान दूंगा तो उनके इंस्ट्रक्टर आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो इस वजह से मुझे मैनेजमेंट करने में इतनी टाइम चली जाती है कि हम उतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए मैं सबसे ज्यादा बिजी रहता हूँ। मुझे डेवलपमेंट के इंस्ट्रक्टर को बताना होता है कि आपको इन स्टूडेंट को बताना है, या फिर कई सारे स्टूडेंट एक दिन में मुझे हर दिन कम से कम 20 से 30 बच्चे कॉन्टेक्ट करते हैं, अभी मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो 50-60 मैसेजेस वहां पे पिंग पड़े होंगे, उनको जवाब देते देते मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, तो ये चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, सिलेबस मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो थोड़ा सा ना एनर्जेटिक हो जाना है पूरा और अपना एक बैलेंसिंग बनाना है। अब एक क्लासेस हम उस पे लेंगे जहां पे कि आपको कॉलेज के अलावा कितना कितना टाइम मिलता है, ये मैं पर्सनली भी आपको बता दूंगा। आप कैसे डिसाइड करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज लाइफ की जो आपकी जो स्टडी है ना उनको आप कॉलेज में ही निपटा दिया करें, क्योंकि साइड से पढ़ने के लिए हमारे पास बिल्कुल कम टाइम है, कॉलेज में असाइनमेंट प्रोजेक्ट करने के चक्कर में हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, तो कॉलेज की स्टडी आपने कॉलेज में निपटा दिया। साइड से आपको नाइट में भी सी प्रोग्रामिंग करनी है, बस दैट्स इट, 1 घंटा ही तो लिया मैंने इसमें, और 1-2 घंटे तो बचे जाएंगे नाइट में आपको, तो बाकी बचे हुए रात के जो 1 से 2 घंटे हैं, जैसे लाइक मैंने इसमें बताया क्या, इसमें हर दिन आपको 1 आवर देना है, इसमें आपको हर दिन 1 आवर देना है, सीखते भी चलना है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 1 पर 30 मिनट्स और कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम, इससे ज्यादा नहीं करना है, इतना कर रहे हैं इतना इनफ है, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट तो कर देते हैं बाद तक फिर कर ही नहीं पाते, तो इतना भी नहीं करना है कि हम टूट जाए, एकदम बैलेंसिंग वे में करना है, ठीक है। कॉलेज वाला स्टडी कॉलेज में निपटा दे पूरा, इसको ऐसा कुछ बैलेंसिंग करें, मैथ फिजिक्स वगैरह को उसी फ्री पीरियड मिला या पीछे बैठ कर अपना पढ़ना शुरू, पूरा क्या फायदा हमें टीचर की नजर में ऐसा कुछ बना के हमें एकेडमिक्स में अच्छा खासा टॉप करके, कुछ फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। अगला काम क्या, नाइट में आपको हर दिन जो है 1 आवर से लेके 2 आवर, ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट वाले पे काम करना है, इस टाइम पे इंटरेस्ट पे काम करना है, इस पे आपको पहचानना है, ढूंढ के निकालना है रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने पहले बताया तब जाके हम इफेक्टिव वे में 6 महीना में इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएंगे। आप अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आगे हैं, इस टाइम पे इंडिया के कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे थोड़े सो रहे होंगे, इस टाइम पे आप सिर्फ 6 महीना में अपने आप को इतना प्रोफेशनल बनाने की कैपेबिलिटीज के लिए दौड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इतना मेहनत करेंगे तो रंग तो लाएंगे ही लाएंगे। लोग 4 साल में भी इतना नहीं कर पाते जितना हम लोग प्लान करके बैठे हैं, 6 महीने से 1 साल में कर लेंगे, और आपके ही बैच से कुछ बच्चे उठेंगे, मैं बताऊंगा भी आपको, आप में से सारे लोग कनेक्टेड ही रहेंगे कि वो लोग इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, ठीक है।
ये हमारे इस टाइम पे अभी टाइमलाइंस होंगी, 1 घंटा डेली का इस पे। इसके अलावा डीएस वगैरह इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहेंगे, दिसंबर तक हम उसको भी निपटा लेंगे डीएस को, और बाकी का 1 से 2 आवर आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें करना है। ये कहाँ से पढ़ना है इसके लिए आप पर्सनली पूछेंगे, या फिर तो मैं कभी आपसे बातचीत करूंगा तो आपको बता दिया जाएगा, या रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह पे खुद से ढूंढे आपको पता चल जाएगा उसमें पूरा। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं, कल जो है हमारा स्टार्ट होगा सी प्रोग्रामिंग में। हम हेडर फाइल से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और 4-5 क्लासेस और मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से पढ़ाऊंगा। मेरा काम ना बिल्कुल सिखाना होता है, हम सिखाई के मानेंगे, चाहे जितना भी कमजोर बच्चा हो मैं सिखाई देता हूँ। सोचो 8-9 के बच्चे में पढ़ने आते हैं अभी इस टाइम पे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई ना, तो 6 क्लासेस के बाद बच्चे कोडिंग पढ़ते हैं। ये बच्चे सारे पाइथन पढ़ के अपना प्रोजेक्ट बना ले रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा ले रहे हैं, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा मेजर मोटो उसी में जाता है कि हम पकड़वा देंगे पूरा, एकदम रिलेट करके पढ़ेंगे इन प्रोग्रामिंग को किस तरीके से। हमने डेनिस रिची के बाद अपना खुद का एक लैंग्वेज बना देंगे, वैसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर जाएंगे। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, तो बाकी चीजों में दिमाग नहीं फटकाने। और अगर क्वांटम यूनिवर्सिटी से अगर यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे तो आजकल ना कॉलेज में एक डिस्ट्रेक्शन वो भी होता है कि लड़के लड़कियों के पीछे ना आ जाए, तो रिलेशनशिप अगर हम फिर ना फंसे, हालांकि वो कुछ बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन आप तब जाए उन चीजों में जब आपको लगे कि आपकी कैपेबिलिटीज इतनी है कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस ऐसा कुछ है कि आपकी बात की वैल्यूज हो। अभी आप अपने मम्मी पापा के पैसे वगैरह भर, अगर आपको लगता है कि हाँ आप स्टेबल हो गए तो आप जा सकते हैं, काफी फ्री टाइम मिलता है। और मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ क्वांटम वालों को उन चीजों के बारे में कि आप क्वांटम कन्फेशन से दूर रहें, ठीक है, वहां पर अलग ही बक्सोरी चलती है, तो उन सब चीजों में ध्यान नहीं देना, दूर रहे उससे, मिनिमाइज करते हैं इसको। एंड अब किसी का कुछ डाउट तो इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ एंड ये अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे, जिन्होंने मिस आउट किए होंगे वॉच कर सकते हैं, नहीं तो फिर शायद मुझे लग रहा है कि जरूरत है इसमें। कल मिलते हैं, कल।